नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में। चीन में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, मैं कहूँगा, अपने आप को आग में झोंकने के समान है। लेकिन चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ने लोगों को इस कदर मजबूर कर दिया कि आखिर में लोगों को सड़कों पर आना ही पड़ा। चीन की कैपिटल बीजिंग से लेकर देश के एक दर्जन से भी अधिक शहरों में शी जिनपिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये हम अच्छे से जानते हैं कि चीन में प्रोटेस्ट करना कोई आम बात नहीं होती, खासकर वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, चीन में ऐसा क्या हुआ था कि वहाँ के लोग नारेबाजी करते हुए सड़कों तक आ गए और पुलिस से भी भिड़ गए? तो अब हम जानते हैं कि चीन के अलग अलग राज्यों में इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने का रियल रीजन है क्या। तो 24 नवम्बर को शिनजियांग की राजधानी उर्मकी में एक 21 मंजिला इमारत में आग लग गई। इस हादसे में 44 से अधिक लोगों की मौत हो गई, लेकिन चीन की सरकार का कहना है कि सिर्फ 10 लोगों की मौत ही हुई है। अब दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि जिस समय आग लगी थी उस समय कोविड के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था। अब राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जीरो कोविड पॉलिसी के कारण लोग बाहर नहीं निकल सकते और लोगों का आरोप है कि लॉकडाउन की वजह से राहत कार्य शुरू होने में देरी हुई, जिससे 10 लोग जिंदा जल गए। चीन में काफी दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है और लोग जीरो कोविड पॉलिसी से बहुत परेशान हो गए, इसलिए वो सड़कों पर उतरा है। अब ये जो प्रदर्शन हुआ था वो सबसे पहले शिनजियांग में हुआ था, और शिनजियांग में जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो लोगों ने एक मांग की थी कि जीरो कोविड पॉलिसी को सरकार को वापस लेना चाहिए, और सरकार जीरो कोविड पॉलिसी को वापस लेना नहीं चाहती। फिर धीरे धीरे प्रदर्शन राजधानी बीजिंग में पहुंचा, इसके बाद शंघाई में भी, और इसके बाद वहाँ की दो जगह चेंगदू और सियांग में भी लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चीन में कोविड काफ़ी तेजी से फैल रहा है। शनिवार को यहाँ 24 घंटे में 40,000 मामले दर्ज किए गए थे, इससे पहले 35,000 मामले सामने आए थे। वैसे तो चीन के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में काउंट किए जाते हैं, लेकिन इस समय चीन के राष्ट्रपति की नींद उड़ी हुई है और शी जिनपिंग चाहते हैं कि चीन की गद्दी पर अगली बार भी मैं बैठूँ, जो कि शायद वो तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे चीन के। लेकिन जिस लेवल पर चाइना के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन प्रोटेस्ट को रोकना, वहाँ की जनता को कंट्रोल करना, ये वहाँ के राष्ट्रपति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब चाइना के लोग सोशल मीडिया पे तो है नहीं, क्योंकि वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ने पूरी सोशल मीडिया साइट बैन कर रखी है। तो न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है कि लोग 1989 को याद कर रहे हैं। अब 1989 में क्या हुआ था? 1989 में तियानमेन एंक्वायर प्रदर्शन हुआ था, तो उस समय भी लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे और सरकार को प्रदर्शन रोकने के लिए मासूमों पर टैंक चढ़ा दिए थे, फायरिंग कर दी थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1989 में जो तियानमेन एंक्वायर प्रदर्शन हुआ था उसमें पूरी तरह से नरसंहार हुआ था, वहाँ के लोगों को मार दिया गया था। तो अब देखना ये होगा कि ये प्रदर्शन कहाँ तक जाता है। क्या इस प्रदर्शन से शी जिनपिंग की सरकार को हटाया जाता है, इसकी जगह पर कोई और राष्ट्रपति आता है, या अभी भी वही राष्ट्रपति बने रहेंगे? तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।